जिला बार एसोसिएशन के 2023-24 के वार्षिक चुनाव में सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, जहां पूरी तरह से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस चुनाव को लेकर विभिन्न पैनल उतरे हैं, जिनके लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, जहां सभी अपने विकास के मुद्दों को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में दो पैनल उतरे हैं, जिनमें के उम्मीदवारों से हमने पूरी तरह से बात करने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी अपनी प्राथमिकताएं और चुनाव जीत कर काम कराने के मुद्दे जताए बताए हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो चुनाव में किस मुद्दों को लेकर चुनाव जी किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान अधिवक्ता के हितों के मुद्दों को लेकर इसमें उनकी अन्य को समस्याएं हैं, चैंबरों की समस्या है, समस्या चैंबरों की है, उनके सम्मान की समस्या है और उनकी जो है। अच्छा, प्राथमिक मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर आप खास तौर से मैदान में उतरे? प्राथमिक मुद्दे यही है जो मैंने आपको बताया, अधिवक्ता का सम्मान और उनके चैंबर में बैठने की प्रॉपर व्यवस्था। अच्छा, न्यायालय में उनका जो है प्रॉपर सम्मान होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को मानते हैं कि पूरी तरह से आपका आपको समर्थन है? मैं तो ये मानता हूँ कि पूरी बार मेरे साथ है, पूरी बार के समर्थन युवा मुझे। अच्छा, बार में युवा वकील भी हैं, उनको लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं? युवा वकीलों की शक्ति से ही जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और उनको सही दिशा में ले जा करके उनका सम्मान और उचित व्यवस्था जो दिन तक पहुंची बैठती है सबकी वकालत कर। ठीक है, आप जिस तरह से आप भी चुनाव मैदान में हैं, आप अपना परिचय करा दीजिए पहले। मेरा नाम आनंद कश्यप, मैं मंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? मेरा बेसिकली तो फर्स्ट मुद्दा है वो ये है कि वकील की कोई भी मेडिकल एड नहीं होती। जी, अगर वो खुद अपना पॉलिसी करा ले तो उसे मेडिकल एड मिलती है। आयुष्मान कार्ड योजना सरकार ने हर किसी के लिए चला रखी है, वकीलों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं। मैं बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा कि वकीलों के हित के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी चलाई जाए जिससे वकीलों को इसकी सुविधा प्राप्त हो सके। अच्छा, कुछ अन्य मुद्दे जो प्राथमिक हैं आपके नजर में कि ये जरूरी करूंगा मैं? सबसे जरूरी है युवा अधिवक्ता को चैम्बर के आवंटन की स्थिति वो ठीक नहीं है। अच्छा, मेरठ बार हो चाहे जिला बार हो, हमारी मेरी भी प्राथमिकता ये रहेगी कि चैम्बर बनवाया जाए, एड लेके सांसद जी है या विधायक इनसे बनवाया जाए और युवा अधिवक्ता वो चैम्बर लौट करना चाहिए। अच्छा, क्या आप अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? मैं मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि वोट उस व्यक्ति को दें जो आपको लगता है आपके सम्मान की रक्षा कर सके, अधिवक्ता हितों का संभाल सके और जो आपको आगे ले जा सके। धन्यवाद। आपने परिचय करा दिया सर? अध्यक्ष पद का हमारा जो पैनल है उसमें मैं अध्यक्ष पद महामंत्री हमारे आजम जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिग्विजय शर्मा जी, उपाध्यक्ष कोष अध्यक्ष त्यागी जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बंटी सैनी है, तीन मंत्री पूरे और एक जी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? हम सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होता है चाहे अधिवक्ता हो, सम्मान की बात जी, हम अधिवक्ता का जो सम्मान है उसको बरकरार रखने के लिए जो प्रयास होता हो कर। रही बात अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर की स्कीम, हमारा ये सोचना है जब आएगी वेलफेयर में चाहे वो हेल्थ वेलफेयर हेल्थ बीमा योजना है, अधिवक्ताओं के लिए बीमार हो जाए मृत्यु हो जाए तो उसके पास दिक्कत का समाधान, हम एक ऐसी पॉलिसी लाए जो और हेल्थ सुविधा मिल सके। दूसरा हमारा ये भी प्लान है कि भाई
आजकल नए युवा हैं उनके लिए एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जुडिशरी के चाहे HJS के लिए चाहे BCHA के लिए हम उनके लिए अपनी लाइब्रेरी में अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएँ, अच्छी से अच्छी बुक्स मैगजीन उपलब्ध कराएँ। कई चीज़ है, अब कोऑर्डिनेशन की बात है, हमारा और जुडिशरी के बीच में जज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। जब अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो काम करने में चाहे अधिवक्ता हो या जज हो एक अच्छा माहौल रहेगा। अच्छा, अगर प्राथमिक मुद्दों की बात की जाए तो क्या प्राथमिक मुद्दे रहेंगे जीतने के बाद? कुछ मुद्दा मैंने बताया, जैसे भाई हेल्थ पॉलिसी बड़ी, क्योंकि यहाँ किसी भी आप एसोसिएशन में जाओ, यहाँ बार काउंसिल में तो हेल्थ पॉलिसी है, सभी को बीमा है, लेकिन मेरा ये मानना है हमारे यहाँ पे किसी भी बार में बीमा नहीं है, और ये बीमा एक बड़ा हेल्थ बीमा जो है एक दूरगामी इसका परिणाम होगा। और अपने मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना? मैं क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दो बार महामंत्री पद पर आसीन रह चुका हूँ, मेरा टीम बड़ी युवा टीम है और युवाओं के लिए और बाहर के लिए जो हमने पहले किया है, पहले हमने काम किया, अच्छा किया है और दो बार बार के सदस्यों ने हमें बनाया है, हमें बनाते हैं, हम चुनते हैं, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और हम अपनी बातों से नहीं, हम अपने काम से जनाएंगे अपनी कार्यकारिणी को और ये बताएंगे कि वह हमारी कार्यकारिणी है। मैं वर्ष 2023-2024 जिला बारौर मेरठ की कार्यप्रबंध कार्यकारिणी को महामंत्री और महासचिव के पद पर अध्यक्षता कर रहा हूँ। अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा जो है कि हमारे युवा अधिवक्ता साथी हैं उनके सम्मान, और दूसरी चीज जो मेरे युवा अधिवक्ता साथी हैं उनके पास जो चैम्बर्स की कमी है, दूसरी चीज उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस की उनके पास कमी होती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है, और इसके अलावा मेरा कोशिश हमेशा यही रहेगी कि यहाँ पर खाली पड़ी जगहें हैं या कुछ ऐसी जगह है उन्हें चिन्हित कर यहाँ पर जो है चैम्बर्स का निर्माण हो सके, ताकि वो युवा अधिवक्ता साथी जो है उनको सह सम्मान चैम्बर मिल सके और वो अपना जो जीवन यापन है वो एक सम्मान के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके कर सके। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता है उनको कुछ मदद बाहर की तरफ से जो है हम लोग करें, इस तरह से करें कि जैसे वकालतनामे वगैरह आते हैं उनको कुछ तर्कसंगत पूर्ण मतलब उनका वो करें हम, जो मुझे लगता है कि आज की दौर में वो बहुत मुझे मतलब मेरी नज़र में अच्छा नहीं है, मैं उसे कुछ इस तरह से कोई अगर हम लोग आए तो मैं अपनी कार्यकारिणी से निवेदन कर प्रस्ताव लाकर ऐसा करवाना चाहूँगा कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं और विशेषकर युवा अधिवक्ता साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको उसका बेनिफिट मिल सके, मतलब जो हमारा पैसा हमारे पास आता है, और जो हमारे युवा अधिवक्ता साथी हैं सबसे पहले एक हम यहाँ पर जो है मतलब जो हमारी लाइब्रेरी है उसको टोटल मतलब काफ़ी हद तक जो हमारे यहाँ पे वो आते हैं जैसे इंडेक्स वगैरह आते हैं उनको मतलब उनको लेकर आएँ और उनको सब उस पर जोड़ें जिससे कि बच्चे पढ़ें और बच्चे पढ़ने के बाद जुडिशरी वगैरह निकाल सकें और जो हमारे यहाँ एग्जाम होते हैं उनको क्रैक कर सकें जिससे कि हमारी बार का सम्मान। अपना परिचय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हमारा मोटो एडवोकेट वेलफेयर के लिए है सब, जिसमें युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। मान लो कि चैम्बर का है, मेन समस्या चैम्बर की है और थोड़ा उनके साथ कोर्ट के बाबू वगैरह में बिहेव करते हैं और वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और अन्य क्या मुद्दे हैं जो हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिए हैं, आजम जी ने बता दिए, ये जो भी मुद्दे हैं हमें तो अधिवक्ताओं का वेलफेयर करना और जुडिशरी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठना। अच्छा, मतदाताओं से क्या अपील? मतदाताओं का अपील है अच्छा वेलफेयर के लिए और सारे अच्छे काम के लिए। जी,
23 और 24 के चुनाव हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके मौका है आजम जमीर को और सुधार को जिताने के लिए। सभी ये जो दूसरी हमारा ग्रुप है वो जात पात की बात करेगा, उससे उठकर सभी लोग वोट दें और वो ये ना समझे कि भाई ये स्वर्ण जाति है, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, सब मिलकर एक साथ सुधार को, आजम को और हमारे पूरे पैनल को जिताएं, ताकि जो ये विपक्षी हैं जिन्होंने ऊपर कमरे दो दो ले रखे हैं, 16-16 वकीलों के कमरे दो दो कमरे ले रखे हैं और उन कमरों में बैठ कर राजाओं की तरह रह रहे हैं, उनको हराएं। अब परिचय करा दीजिए। मैं विक्रांत जैगी एडवोकेट, जिला बार एसोसिएशन मेयर, वर्ष 2023-24 की कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान? हमारे जो मुद्दे हैं कार्यकारिणी के, हमारे मुद्दे जो हमारे युवा साथी हैं या हमारे वरिष्ठ हैं, सभी के सम्मान के लिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो सम्मान का है। सम्मान की लड़ाई हमारे अधिवक्ताओं को काफी समय से लड़नी पड़ रही है और अलग अलग बारों में भी बहुत सारी समस्याएं युवाओं के और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ हमेशा रहती है, इसके लिए जो है कठिन से कठिन जो है कार्य किए जाए। ठीक है।